गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर इज यूनिट 5, चैप्टर नंबर 10, द जर्नी ऑफ फूड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम जो फूड खाते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और डिफरेंट टाइम पे हम एक सेम फूड नहीं खाते हैं। जैसे हम ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, जैसे ब्रेड खा ली या मिल्क पी लिया। ठीक है, लंच में हम कुछ और खाते हैं, जैसे चपाती हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, और डिनर में हम पल्सेस वगैरह और चपाती वगैरह खाते हैं। ठीक है, अब ये सब सेम तो नहीं है ना, सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कह रहा है, यू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, सम कम फ्रॉम प्लांट्स एंड सम कम फ्रॉम एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ फूड्स हैं जो प्लांट्स से आते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है, अब जो एनिमल्स से आते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या जो मीट खाते हैं वो एनिमल्स से आता है। ठीक है, द फूड दैट यू ईट गिव्स यू एनर्जी एंड हेल्प्स यू टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डे। अब जो फूड हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम हियर, फ्रॉम द फील्ड टू योर प्लेट। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट गिव्स अ सीरियल लाइक वीट, राइस, मेज, कॉर्न एट्सेट्रा। अब जो फार्मर्स होते हैं वो, जैसे आप फील्ड्स में जाते हैं, फार्म्स में जाते हैं, आप उधर देखते हैं कि बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है बहुत सारी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, कॉर्न एट्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एज दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट्स टू ग्रो वेल। अब इसमें इसने बोला है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती है वो एक ही रीजन में, एक ही एरिया में नहीं ग्रो की जाती, वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए होता है और डिफरेंट सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट एरियाज। अब राइस ग्रो करने के लिए हम कहीं भी ऐसे नहीं ग्रो कर सकते, वो ग्रो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ड्राई हो गया, या ड्राई एरिया हो गया, या कूल एरिया हो गया, तो वो ग्रो नहीं करेगी। राइस को ग्रो करने के लिए हमें हॉट एंड वेट एरियाज चाहिए। ठीक है, सिमिलर वीट रिक्वायर्स ए कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। अब वीट को कैसा क्लाइमेट चाहिए? कूल और मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब कि जिसमें नमी होती है। ठीक है, क्लाइमेट चाहिए होता है जहाँ पे बारिश पड़ती है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, वही वाला क्लाइमेट चाहिए होता है वीट को ग्रो करने के लिए। वाइल मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन ड्रायर एंड लेस फर्टाइल पार्ट्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब मिलेट्स, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जैसे आप बाजरे की रोटी खाते हो, ठीक है, वो जो उसकी जो क्रॉप होती है उसके लिए हमें सूखा जो एरिया होता है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, ठीक है, वो वाला एरिया चाहिए। और जो सॉयल जिसमें हम उसको सो करते हैं, मतलब उसको, उसके बीज को हम दबाते हैं, दफनाते हैं, उस वो जो सॉयल है वो लेस फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, अब जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स चाहिए होते हैं, वो एक ही स्टेप में ही ग्रो हो जाती है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स चाहिए होते हैं। नाउ लेट्स रीड व्हाट आर दोज स्टेप्स। जैसे इन जनरल देयर आर वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब जो क्रॉप मार्केट में हम लेके आते हैं, जो चीज़ें हम वेजिटेबल्स वगैरह लेके आते हैं, उनको ग्रो करने के लिए क्या क्या लगता है, कैसे कैसे वो ग्रो करती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट, पहले क्या चाहिए, द फील्ड इज प्लोड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो काओ है, ठीक है, अब ये क्या कर रही है, इस फील्ड को प्लो कर रही है। ठीक है, अब प्लो क्यों की जाती है, प्लो इसलिए की जाती है ताकि फील्ड में ये, जैसे ये है ना, ये गड्ढे हो गए इधर, इतने ऐसे लाइन वाले, इसमें जो सीड्स है वो दबा सके ताकि क्रॉप्स ग्रो कर पाए। ठीक है, अब प्लो भी कर लिया, सीड्स भी सॉयल में डाल दी। अब फील्ड इज़ वाटर्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब फील्ड में वाटर नहीं देंगे तो क्रॉप ग्रो कैसे करेगी, इसलिए रेगुलरली हमें कुछ टाइम बाद वाटर फील्ड में डालना पड़ता है। ठीक है, अब ये हो गए तीन स्टेप्स। अब
फोर्थ स्टेप की बात करते हैं. फोर्थ स्टेप है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सॉयल. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो काम करते हैं वो सॉयल के खाने के जैसा काम करते हैं, ताकि सॉयल अच्छी रहे, अच्छी फर्टाइल रहे, ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाए. ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप पे आते हैं. अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स आर रिमूव्ड. अब क्रॉप्स के साथ साथ क्या होता है कभी कभी कि साइड साइड में छोटे छोटे ना अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, जो क्रॉप को ना ढंग से ग्रो नहीं करने देते, तो उनको हटाना भी ज़रूरी है ताकि जो क्रॉप है वो ढंग से ग्रो कर पाए, तो उसको रिमूव करना पड़ता है. ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स. ठीक है, नाउ सिक्स्थ पॉइंट, वंस द क्रॉप इज़ फुली ग्रोन इट इज़ हार्वेस्टेड. अब क्रॉप जो है, अब हमने प्लो भी कर दिया, सीड भी फील्ड में डाल दी, वाटर भी कर दिया फील्ड को, अब उसमें उनको सॉयल को अच्छा करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी लगा दिए, और जो उनको ग्रो करने में रोक रही थी चीज़ें, अनवांटेड प्लांट्स जो थे वो भी हटा दिए. अब क्या करेंगे, जो क्रॉप है वो तो फुली ग्रोन हो गई, अब उसको क्या करना है, उसको हार्वेस्ट करना है. हार्वेस्ट मतलब काटना है. अब ये देखो, जैसे ये है ना, ये काट रहे हैं, ये साइड में रख रहे हैं काट काट के. ठीक है, ये होता है हार्वेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ठीक है, नाउ सेवेंथ स्टेप, द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्टोर्ड इन गनी बैग्स एंड केप्ट इन गोडाउंस. अब ये जो क्रॉप्स इन्होंने काटी, इनको कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो ऐसे तो है नहीं कि ये फील्ड में ही छोड़ देंगे. ये क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर्स में लोड करके, जो बैग्स होते हैं ना कट्टे टाइप जैसे होते हैं, उसमें क्रॉप्स को पूरा बांध के कहाँ ले जाते हैं, गोडाउंस में ले जाते हैं. ठीक है, ताकि वहाँ पर क्रॉप्स सेफ रहे. ठीक है, अब इट इज़ देन सेंट टू होल सेल मार्केट और मंडी. अब मंडी में क्या, ये जो क्रॉप्स होती है जो गोडाउंस में जो रखी होती है, इनको कहाँ ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं. ठीक है, मंडी में क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इकट्ठा ही बहुत सारी जो हार्वेस्टेड क्रॉप है वो ख़रीद लेते हैं. अब वो क्यों ख़रीदते हैं, वे विल लर्न इट इन सेकेंड स्टेप. ठीक है, अब ये नाइन्थ स्टेप है, होलसेलर्स बाय इट फ्रॉम मंडी एंड देन सेल देम फर्दर टू रिटेलर्स. अब जो होलसेलर बायर है, जो एक ही इकट्ठा ही बहुत सारी क्रॉप्स ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं, जहाँ से हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, उन शॉप्स को बेच देते हैं. ठीक है, अब जो क्रॉप उन्होंने ली वो उधर बेच देते हैं. अब लास्ट स्टेप है, टेंथ स्टेप, वी परचेज द फूड वी नीड फ्रॉम द रिटेल शॉप्स. अब जो इन्होंने जो रिटेल शॉप्स में क्रॉप्स को, जो वेजिटेबल्स है उनको बेचा था, अब वो जो चीज़ें हैं वो हमारे बाय करने के लिए है. ठीक है, समझ आया. पहले होता है प्लोइंग, फिर होता है सॉयल में सीड डालते हैं, फिर वाटरिंग होती है, फिर वाटरिंग के बाद क्या करना पड़ता है, सॉयल को अच्छा करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फिर जो अनवांटेड प्लांट्स पैदा हो जाते हैं उनको काटना पड़ता है, फिर क्रॉप पूरी फुली ग्रोन होने के बाद उसको उसका हार्वेस्टिंग होता है, फिर जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है वो उसको गोडाउंस पे रखना पड़ता है, फिर गोडाउंस में जो क्रॉप जो होती है वहाँ से वो जाती है होलसेल मार्केट, मतलब मंडी में, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ही सारी क्रॉप एक ही साथ ले लेते हैं, और उसको कहाँ बेचते हैं, रिटेल शॉप्स में, मतलब छोटी छोटी शॉप्स में जहाँ पर हम सब्जी खरीदने जाते हैं. ठीक है, अब वो, अब देखो जैसे ये है ना रिटेल शॉप, यहाँ पे ये जो लोकल हमारे जैसे लोग हैं ये खरीद रहे हैं. ठीक है, समझ आया. नाउ नेक्स्ट पेज, अब है क्रॉप्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. अब हम यहाँ पे इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है, अब हम इसको पढ़ेंगे. सीरियल्स लाइक राइस वीट आर ईटन बाय मोस्ट ऑफ अस एवरी डे, वी ईट देम इन डिफरेंट फॉर्म्स, फ्लोर, इडली, कॉर्नफ्लेक्स एट्सेट्रा, दे गिव अस एनर्जी. सीरियल्स क्या है, सीरियल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सके डे में. ठीक है, अब सीरियल का एग्जाम्पल क्या है, राइस वीट. ठीक है, अब उससे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे कि वीट से क्या बनता है, फ्लोर बनता है, मतलब आटा. ठीक है, इडली भी बना सकते हैं हम, और कॉर्नफ्लेक्स जैसे हम सुबह सुबह दूध के साथ लेते हैं वो. ठीक है, अब नेक्स्ट है पल्सेस.
Pulses like moong, chana, rajma help us to grow and repair damaged cells. They are the dried seeds of certain plants. अब pulses हो गए, pulses जैसे मतलब दालें, दाल कौन सी, मूंग, चना, राजमा. अब ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है ना, सेल्स जो हमारी ख़राब हो जाती है उसको, डैमेज सेल को रिपेयर करने में, ठीक करने में मदद करते हैं, ठीक है. और पल्सेस क्या होती है, ड्राइड सूखी हुई सीड्स होती है कुछ सर्टेन प्लांट्स की, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रूट्स. फ्रूट्स तो सब भी खाते हैं, आप भी खाते हो, एप्पल, मैंगो, बनाना, जो भी है, ठीक है, आपको तो पता ही है. फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, चेरी आर ईटन बाय ऑल. दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स. अब हमें फ्रूट से क्या मिलता है, विटामिंस मिलता है एंड मिनरल्स मिलता है, ठीक है. डिफरेंट फ्रूट ग्रोज इन डिफरेंट सीजन, ठीक है. अब ये जो सारे फ्रूट है वो एक ही सीजन में तो नहीं होते ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज शुगर. शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट प्लांट. अब शुगर जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, शुगर केन प्लांट से, मतलब गन्ना, ठीक है. गन्ने से हमें क्या मिलता है, शुगर, और बीटरूट प्लांट से, ठीक है. बीटरूट रेड कलर की होती है, ठीक है, उससे भी हमें शुगर मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑयल. ऑयल यूज्ड इन कुकिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कास्टर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट एट्सेट्रा. अब जो ऑयल है, हम जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, कुक करते हैं, उसमें हम पहले ऑयल डालते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल डालते हैं. वो ऑयल कहाँ से आता है, सीड्स ऑफ प्लांट से आता है. फॉर एग्जांपल कास्टर, सनफ्लावर, मतलब ग्राउंडनट एट्सेट्रा, ठीक है. अब नेक्स्ट है स्पाइसेस. स्पाइसेस मतलब जो हम खाने को टेस्टी बनाते हैं उसको हम स्पाइसेस बोलते हैं, ठीक है. स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, सीड्स और फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स. दे ऐड फ्लेवर, ठीक है, मैंने बोला था ना कि टेस्टी बना देते हैं, फ्लेवर ऐड कर देते हैं फूड में, टू द फूड. क्लोव, मस्टर्ड, पेपर, चिलीज आर सम स्पाइस. मतलब चिलीज मतलब मिर्च, क्लोव और मस्टर्ड, पेपर, ठीक है, दे दीज आर सम स्पाइसेस, ठीक है. नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैरेट, पटेटो आर ईटन बाय ऑल ऑफ अस. वेजिटेबल्स तो सब खाते हैं, ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स स्टोर्ड फूड इन देम. दे ऑल्सो आर ए रिच सोर्स ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स. अब वेजिटेबल से भी हमें विटामिंस एंड मिनरल्स मिलते हैं, और किससे मिलती थी, हमें मिलती थी फ्रूट से, ठीक है, विटामिंस एंड मिनरल्स. अब है बेवरेजेस. बेवरेजेस मतलब टी, कॉफ़ी, जैसे आपके मम्मी पापा या आप भी जैसे पीते होंगे, ठीक है. बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. टी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट. अब टी कहाँ से आती है, जो टी प्लांट की लीव्स होती है उधर से. और कॉफ़ी कहाँ से आती है, कॉफ़ी बीन्स से, ठीक है. जो बीन्स जो होती हैं, कॉफ़ी प्लांट की जो बीन्स होती है उधर से कॉफ़ी आती है, और जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो उधर से टी आती है, ठीक है. नाउ वी विल कम टू एनिमल फार्म्स. वी ईट एग्स, मिल्क एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स केप्ट इन द फार्म. अब एग है, मिल्क है, मीट है, कहाँ से आता है, एनिमल्स से आता है, और वो एनिमल्स कहाँ रखते हैं, फार्म्स में, ठीक है. ए फार्म वेयर हैंस आर reared for their eggs and meat is called poultry farm. अब एक farm है जहाँ पर hens वगैरह, येरी hens, इनको रखा जाता है इनके eggs के लिए and इनके meat के लिए. उस farm को क्या बोलते हैं, poultry farm, ठीक है. अब next is animals like goat, cows and buffaloes are reared for their meat and milk in a dairy farm. अब एनिमल्स जैसे कि गोट हो गई, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ये क्या देते हैं, हमें मिल्क मिलता है, और क्या मिलता है इनसे, मीट मिलता है, ठीक है. तो ये कहाँ रखे जाते हैं, कौन से फार्म में रखे जाते हैं, डेयरी फार्म में. अब जैसे कि आप डेयरी, वो मदर डेयरी से मिल्क लेने जाते हो ना, तो वो तो मिल्क के लिए हो गया. अब जो फार्म जिसमें ये गोट
काउज और बफेलोज रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेयरी फार्म। और जहाँ पे हेंस रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू।